मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, मैरो या प्रेप? 70-80% आपका रिजल्ट आपकी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है, जो सबके लिए अवेलेबल हो पाए। तो हम बेसिकली कंपेयर करने वाले दोनों को हर चीज के बेसिस पे, सबसे बिकॉज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं। ठीक है, हे गाइस, मायसेल्फ प्रद्युम्न उपाध्याय, अ प्री फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम झालावाड़ मेडिकल कॉलेज राजस्थान। तो आज हम बेसिकली एमबीबीएस स्टूडेंट या फिर जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ स्टडी है उनके बारे में बात करेंगे। बुक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, मैरो या प्रेप? ठीक है, ये सबके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है जब भी लेना होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि हमें एक्स्ट्रा सोर्सेज की जरूरत क्यों पड़ती है, खासकर ऑनलाइन सोर्सेज। तो सिंपल सी चीज है, जब हम यूजी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम अपने इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहते हैं, बट यहाँ पे हमें पता है मेडिकल कॉलेज में आते ही सारा इक्वेशन उल्टा हो जाता है। 70-80% आपका रिजल्ट आपकी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, यस दे आर इंपॉर्टेंट, उन्हें फोकस करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कॉलेज लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट उनको प्रोफेसर स्टूडेंट्स दोनों कितना सीरियसली लेते हैं वो हमें पता ही। अब सेल्फ स्टडी की बात की जाए तो हमें पता है, ठीक है, सब लोग बुक से ही पढ़ते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक लेता है, कोई नॉर्मल बुक्स लेते हैं, वो ठीक है। बट ये ऑब्वियसली चीज है, यदि हम वीडियो देखेंगे मैरो का हो प्रेप का हो तो उसका ऑब्वियसली एडवांटेज रहता है, आप चीज सुनोगे आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी। और खासकर जो विजुअलाइजेशन आजकल जो एनिमेशन वगैरह जो भी पिक्चर्स ये लोग दिखाते हैं, दैट्स रियली फैबुलस। तो आपके कॉन्सेप्ट बेसिकली काफी हद तक बहुत क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हाँ, बुक्स की रीडिंग मारनी जरूरी होती है। तो ऑनलाइन सोर्सेज की बात की जाए तो हाँ, मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों के साथ में। मैंने एक साल लगभग प्रेपलेटर यूज किया हुआ है, उससे पहले मैंने डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स भी देखे थे, मैरो को भी मैंने 2-3 महीने यूज किया है। तो बाकी मतलब मेरे को जब भी मिलता है मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ ना, देखने में कहीं जा रहा है। तो अभी हम सारे सोर्सेज की बात करते हैं अपने यहाँ पे जो मेजरली चलते, ठीक है। सबसे पहले मैरो आता है, उसके बाद प्रेपलेटर चलता है, एंड देन डैम्स, डीबीएमसीआई का गूगल ऐप है। तो सबसे पहले डैम्स और डीबीएमसीआई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये दोनों जो इंस्टीट्यूट है वो लाइव क्लासेस के लिए बहुत फेमस है। लाइव क्लासेस की यदि बात की जाए तो डैम्स ऑब्वियसली इज द बेस्ट ऑप्शन यदि लाइव क्लासेस लेनी है। बट अभी हम बात कर रहे हैं उस ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में जो सबके लिए अवेलेबल हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी लाइव क्लासेस हैं सिर्फ बड़े शहरों में होती है। तो जो चीज सबके लिए अवेलेबल है वो है फोन में उनका ऐप आता है, डैम्स का भी है, ठीक है, सबका होता है, डीबीएमसीआई का गुरुकुल ऐप आता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ई गुरुकुल ऐप एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, इसका कुछ फ्री ट्रायल आया था 10-15 दिन का। तो मैंने ऐप खोला, सबसे पहले तो ऐप हैंग हुआ, उसके बाद मेरा फोन हैंग हुआ, उसके बाद जब मैंने रिस्टार्ट किया तो मैं प्ले स्टोर पे गया, मतलब रेटिंग देने के पर्पज से। तब मेरे को समझ आया मतलब इस ऐप को इतनी गंदी रेटिंग क्यों दी हुई है, ठीक है, ओके। मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, बट लेटरली बता रहा हूँ मेरा बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, मेरा सीरियसली फोन हैंग हो गया था। बट यदि बात की जाए यूएसएमएल के पर्पज के लिए, तो डीबीएमसीआई जो भी है इसका ऐप इवन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप जा सकते हो उसके लिए। अब डैम्स की यदि बात की जाए तो पर्सनली मैंने ज्यादा यूज किया नहीं है, मतलब बॉस के फोन में देखा था, सीनियर थे उनके फोन में देखा ही है, तो मैं उस पर ज्यादा कह भी नहीं सकता, बट हाँ ठीक है। अब मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, मींस मैरो और प्रेप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए यही चॉइस रहती है। तो अपन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि एक का एडवांटेज बहुत ज्यादा है, देर आर माइनर डिफरेंसेस बट दे मीन्स अ लॉट। एंड जैसे मैंने बताया था, ठीक है, प्रेपलेटर मैंने यूज किया हुआ है एक साल तक, अभी भी है मेरे फोन में। एंड आफ्टर माई सेकेंड ईयर, ठीक है, मीन्स अब मैं प्री फाइनल में हूँ, देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स मैरो, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। तो हम बेसिकली कंपेयर करने वाले दोनों को हर चीज के बेसिस पे। सबसे पहले ऐप इंटरफेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का ही बहुत शानदार ऐप इंटरफेस है। मैरो की बात की जाए तो मुझे पर्सनली ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगा, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, काफी अच्छी चीज है। जब आप वीडियो प्ले करोगे तो आपको टाइम टैक्स मिल जाएंगे, वो दोनों में मिलेंगे, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप टाइम टैग में देख लो, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दो, आप पहुंच जाओगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स दोनों देते हैं, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने वीडियोस देख रहे हो। इसके अलावा ऐप में आपको होम पेज पे, ठीक है, लाइक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, वो हर दिन एक क्वेश्चन डाल देते हैं, वो दोनों में होता है। अब मेन चीज पे आ जाते हैं, वीडियोस जो है प्रेपरेटर क्यों चाहे मैरो प्लान सी क्यों। तो बेसिकली मैरो में आपको जो भी वीडियोज हैं डिटेल्ड हैं, लेंथी हैं ऑब्वियसली, एंड कंसेप्चुअल वीडियोज है काफी, आपको हर एक टॉपिक को बहुत क्लियरली अंदर तक उसके समझाया गया है। प्रेपरेटर में आपको जहां पे कंसाइज वीडियोज मिलेंगे, इनका बेसिकली ठीक है कॉन्सेप्ट रहता है, पढ़ो उतना
चाहिए जितना, तो वो अब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आपको ज्यादा पढ़ना पसंद है फिर लिमिटेड पढ़ना पसंद है। मेरी यदि पर्सनली बात की जाए तो मुझे तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक मैं अंदर घुस नहीं जाता किसी भी टॉपिक के लिए, तो इसलिए मैं मेरे को ज्यादा प्रेफर करता हूँ इस चीज में। यदि सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो प्रोफेसर दोनों में काफी ज्यादा अच्छे हैं, ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इवन डिकेड्स का एक्सपीरियंस है उन्हें। तो यहाँ पे मैं बेसिकली हर सब्जेक्ट का रिव्यू देने वाला हूँ ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। सबसे पहले आती है एनआरमी में प्रेप लेटर में डॉक्टर राजेश कौशल सर हैं और मेरो में डॉक्टर रविराज सर हैं। मैंने सेकेंड ईयर में जब भी लॉकडाउन था तो प्रेप लेटर से एनआरमी पढ़ी थी डॉक्टर राजेश कौशल सर की, एंड मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। मेरो के भी मैंने देखे हैं बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रेप के वीडियोज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सर ने मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रेप का प्लस पॉइंट जाता है ऑब्वियसली। फिर से मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, एक एज होती है। अब बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो मेरो में यहाँ पे आपको स्टार फैकल्टी देखने को मिलेंगी डॉक्टर रेबिका जेम्स मैम, मैं यहाँ पे कंपेयर कर ही नहीं रहा, ठीक है, प्रेप में डॉक्टर स्माइली मैम है बट रेबिका जेम्स मैम ने जो एक्सप्लेन किया बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, मुझे लगता है बेस्ट वे है ये। फिजियोलॉजी में मेरो में फिर से स्टार फैकल्टी डॉक्टर कृष्ण कुमार सर, प्रेप की भी मैंने फिर जो पढ़ी हुई है डॉक्टर विवेक सर की, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, बट कहीं पे फिर से मैरो के ज्यादा कंसेप्चुअल आपको देखने को मिलेंगे। अब फार्मा पैथो की बात की जाए तो पैथो में मैरो में डॉक्टर इला जैन मैम है और पैथो में डॉक्टर स्पर्श गुप्ता सर है, दोनों ही बेस्ट है नो डाउट। स्पर्श गुप्ता सर का मैंने पढ़ा हुआ है, आपको पॉइंट टू पॉइंट वहां पे देखने को मिलेगा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हर चीज वो क्लियर करते हैं, एंड इला जैन मैम का ऑब्वियसली बहुत डिटेल में जाके आपको पैथोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है, दोनों ही बेस्ट है। एंड फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो मेरो में डॉक्टर रंजन कुमार सर है और प्रेप में अपने जे आर जी सर गोविंद राय सर है। अब यहाँ पे आप प्रेप में आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स देखने को मिलेंगे बेसिकली फार्मा में, ठीक है, हर चीज की ट्रिक देखने को मिल जाएगी, याद आसानी से हो जाएगा। मेरो में फिर से जो है डिटेल्स हर चीज की है ही है, बट स्टिल मैंने पूरे सेकंड ईयर स्पर्श गुप्ता सर और जी आर जी सर की वीडियोस देखी हैं, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही बेस्ट है, कोई कंपेरिजन है नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में मेरो में डॉक्टर सिविका शेट्टी है, प्रेप में डॉक्टर सोनू पवार है और एफ एम टी में मेरो में डॉक्टर अखिलेश सर है आई थिंक, एंड प्रेप में डॉक्टर जे मगेंद्र है, बट यहाँ पे भी कंपेरेटिवली मेरो के ज्यादा अच्छे हैं। अब पीएसएम में प्रेप में डॉक्टर विवेक जैन सर हैं, बहुत अच्छा है। मेरो में डॉक्टर मुकमल सिंह, ऑब्जर्वेनी में डॉक्टर साक्षी अरोड़ा मैम है, मेडिसिन में डॉक्टर राकेश नायर सर हैं और सर्जरी में डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर हैं, तो ये तीनों स्टार फैकल्टीज हैं, ठीक है। मेडिसिन में प्रेप में डॉक्टर दीपक मरवा, उनके भी काफी ज्यादा अच्छे वीडियोज हैं, और इसके बाद की सब्जेक्ट्स लिटरली सीरियसली मैंने देखी नहीं है क्योंकि अभी मैं प्री फाइनल ईयर में हूँ। बट अब यदि ओवरव्यू की बात की जाए तो प्रेप लैडर ने बेसिकली मेजर सब्जेक्ट्स को तो बहुत अच्छे से कवर किया है, ये बात है, बट माइनर सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं प्रेप लैडर पीछे रहता है। लाइक आप बायोकेमिस्ट्री में देख लीजिए, माइक्रो फॉरेंसिक हो, इवन पीडियाट्रिक्स हो या फिर साइकेट्री हो, एनेस्थीसिया हो, तो ये सब्जेक्ट वाइज बेसिकली मेरे ओपिनियन थे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब यदि एग्जाम्स की बात की जाए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो प्रेप लेटर बेसिकली यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है, ठीक है, जिसमें एफएमजी आती है, नीट पीजी और एम्स तो अपने है ही है, इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, एंड मेरो ओनली फोकस करता है नीट पीजी और एम्स की तरफ। अब नोट्स की बात कर लेते हैं, नोट्स ऑब्वियसली वीडियो बेस्ड रहते हैं, प्रेप लेटर के नोट शॉर्ट है, रिवाइज करने के लिए आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। मैरो के नोट्स यहाँ पे लेंथी आएंगे बट हाँ आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक पे, क्वेश्चन बैंक यहाँ पे नो डाउट मैरो में 18,000 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, प्रेप में समथिंग अराउंड 13,000 क्वेश्चंस हैं, एंड मैरो के जो क्वेश्चंस हैं टफर हैं, प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो इस चीज का एडवांटेज रहता है, क्लिनिकल क्वेश्चंस ठीक है टफर हैं। जो नेक्स्ट नीट पीजी जो कन्वर्ट होने वाली है नेक्स्ट में, तो उस केस में ऑब्वियसली ये चीज आपको फायदा होने वाला है, क्वेश्चन बैंक नो डाउट। अब टेस्ट सीरीज की यदि बात की जाए तो मेरो में जो टेस्ट सीरीज है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको कॉम्पिटिशन मिलती है, बिकॉज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं, ठीक है, आपको टेस्ट में रैंकिंग देखने को मिलती है, प्रेप में भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, वहां पे भी रैंकिंग मिलती है, बट यदि कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है इसलिए कितने पानी में अपन।
तो इस चीज में ऑब्वियसली मेरो इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। इसके अलावा रैपिड रिवीजन का आपको ऑप्शन मिलता है, वो दोनों ही एप्स में मिलेगा। प्रेप ने जो रैपिड रिवीजन का कोर्स किया है वो काफी अच्छा किया है, काफी जल्दी इसे वो कंप्लीट करा देते हैं, लगभग 170 आवर्स में ये मोस्ट ऑफ द। इसके अलावा और फीचर्स की बात की जाए, कस्टम मॉड्यूल ये दोनों में मिलता है, ठीक है। आप कोई भी सॉल्व, आप कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं तो आप कस्टम मॉड्यूल टॉपिक वाइज बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्लिनिकल पर्ल, ये भी दोनों में है एंड दे कवर मोस्ट ऑफ द एग्जाम बेस्ड क्लिनिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें से ऑब्वियसली क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मुझे लगता है और कुछ जानने की जरूरत है। बस आप जो भी ले रहे हो ट्रस्ट कीजिए उस पर, एंड मोर इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है। ऑब्वियसली सिर्फ सोचने से तो आ नहीं जाएगा, तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। सो बस ये कि बेस्ट ऑफ लक एंड चला बाय।